इसी के चलते उन्होंने अब तक 2 विकेट इस ओवर में चटकाई है। और जो नए बल्लेबाज आए वो भी डिफेंसिव होके खेल रहे हैं। उनको 43-3 चेन्नई। ऑन द डीप लॉन्ग ऑफ एज अ बिग हिट ब्रिलियंट शॉट ब्रिलियंटली पिक्ड या ही वाज टारगेटिंग दैट एरिया बिकॉज़ देयर जस्ट 3 फील्डर्स ऑन द ऑन साइड सो ही हिट इट ब्रिलियंटली इन द गैप बिटवीन लॉन्ग ऑन एंड डीप इन विकेट। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से जैसे हम बोलते हैं बैठक लेफ्ट आर्म स्पिनर को या ऑफ स्पिनर को जो मारते हैं ये इन्होंने फास्ट बॉलर को मार दिया है बैठक मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और टीम के 50 रन यहाँ पे पूरे सागर के इस छक्के से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और फिर एक बार उठा दिया है 6 रनों के लिए दूसरा 6 रन। नो थोड़े डिस्टेंस से यहाँ पे बच गए वो 9 रन मिलाने से बट दूसरा छक्का इस ओवर का एब्सोल्युटली केदार जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट नाइनर आई वुड से कुड हैव बीन द फर्स्ट नाइनर बट देन ही जस्ट फेल शॉर्ट ब्रिलियंट स्ट्राइक अगेन राइट इन द मिड ऑफ द बैट and again targeting the deep mid-wicket region, picking up beautifully. और style देखिए, swag देखिए सागर का, holding the shot for the cameras, pose लिए जा रहे हैं और ये सारे जो street cricketers हैं, जानते हैं swag क्या होता है, जो catch भी लिया था, would be a good target. ये मारा shot, पूरे के पूरे over में चुप थे, लेकिन over की समाप्ति करी तो क्या करी? 6 रन यहां पे आए चेन्नई के खाते में। 6 ओवर की समाप्ति 67-3। अरे फील्डर बाउंड्री लाइन पे है। ये शॉट खेला कनेक्शन लगा और मिल रहे 6 रन। क्या बात है, अंडर प्रेशर थे सागर और उस प्रेशर को क्या रिलीव किया है इस छक्के के साथ। जबरदस्त शॉट, जबरदस्त कमबैक। और अब आपको समझ आ गई होगी कि भिंजवा ने एक दूसरा रन लेने का मौका बन सकता था वहां पर, नहीं लिया क्योंकि सागर बड़ी देर से वहां पर मौजूद है। उनको स्ट्राइक देने की कोशिश की, इस बॉल को भी धीमी गति से डालने की कोशिश की, उंगलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब आप समय बिता चुके होते हैं ना क्रीज पर तो आपको अंदाजा हो जाता है पिच की उछाल का। जी बिल्कुल, बाउंस को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया। अगर आप देखेंगे बल्ला नीचे नहीं था, थोड़ा ऊपर की तरफ था, तो मार्जिन जो देते हैं ना बाउंस को उतना दे के फिर प्रहार किया, कैसे मोमेंटम फिर आपकी तरफ आता है। ये लो जी एक और शॉट, रुक नहीं रहे यहाँ पे सागर, एक और शॉट खेला है। चौका तो नहीं मिलेगा लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रन जरूर मिलेंगे और इसका मतलब ये है कि अब इस ओवर में 1 गेंद बाकी है और चेन्नई को सिर्फ 2 रन बनाने हैं टू गेट दैट 50-50 ओवर टारगेट। क्या बढ़िया इंटरेस्टिंग है ये ओवर।